नमस्कार, सत्य यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों को लगी गोली। मिर्जापुर जनपद के थाना विंध्याचल के अंतर्गत अष्टभुजा चौकी के पास नए तारा अकोढ़ी के पास बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। तत्काल इलाज के लिए मंडलिया हॉस्पिटल ले जाया गया। मौके पर एडिशनल एसपी नितेश सिंह, सीओ सिटी, थाना प्रभारी विंध्याचल, थाना प्रभारी जिगना एवं एसओजी पहुंच गई। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद, संचालन शोभनाथ बिंद ने किया। सत्य यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। मुठभेड़ हुई है, प्रशासन पुलिस और बदमाश के बीच क्या है मामला? आज अभी आधे घंटे पूर्व की घटना है। विंध्याचल पुलिस एवं थानाध्यक्ष एवं चौकी इंचार्ज अष्टपदा द्वारा ये इनको सूचना प्राप्त हुई। इनका एक नाका लगा हुआ था अमरावती चौराहे पे कि दो अपराधी जो है जिन्हें चेंज नर्सिंग वगैरह घटना कार्य करने आए हैं। मुखपुर से सूचना थी, ये इधर भागने आए। इनके द्वारा पीछा गया और इन दोनों अपराधियों का, जिसमें एक का नाम विपिन निषाद है, दूसरा नाम उज्ज्वल है, ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। इनके पूर्व में एक पे 26 मुकदमे लगभग हैं, एक पे 3-4 मुकदमे हैं। इन दोनों के द्वारा पुलिस पे इन पर फायर किया गया। जब पीछा कर रही थी पुलिस को, पुलिस ने आत्मरक्षात इन पर फायर किया। इनके के पैर पे गोली लगी और इनको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इनकी स्थिति स्थिर है। ये दोनों अपराधियों ने यहां पर इस जिले में काफ़ी पूर्व में घटनाएँ की हैं। ये घटनाएँ सबसे पहले तो अभी यहाँ पे जो पूर्ववत इनकी घटनाएँ हैं, वो फरवरी में ही इनके द्वारा एक चिल में एक घटना की गई थी, जिसमें एक महिला से बैग छीना था और 1,00,000 रुपये इन्होंने उससे छीने थे। और उसके बाद ये जेल चले गए थे प्रयागराज से। उसके बाद जेल से आने के बाद फिर उन्होंने यहाँ घटनाएँ की, जिगना थाने में घटना की इन्होंने, उसके बाद यहाँ पर कटरा में घटना की और विंध्याचल में भी ये घटना करी इन्होंने। ये दोनों अपराधी थे, इसमें जो विपिन निषाद है, इसने एक मोटरसाइकिल जो है चोरी की थी प्रयागराज में, और चोरी की मोटरसाइकिल से जब इसने देखा कार्रवाई नहीं कर सकते तो इसने एक और मोटरसाइकिल जो है चोरी करके यहाँ से चुनार से उससे इसने घटना का प्रयोग किया। लेकिन ये यहाँ पर जब इसके द्वारा पीछा गया तो ये भाग गया था। अब उसी क्रम में ये आगे भी यहाँ पर घटनाएं करने आए थे, क्योंकि यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी के मंदिर है और यहाँ पर कल से जो है नवरात्रि का मेला है, उसमें भी चेन स्नैचिंग की घटना ये महिलाओं के साथ कार्य करना चाहते थे। इसी प्लानिंग के तहत ये आ जाए और पुलिस द्वारा इनको यहाँ मुखपुर की सूचना पर रोका गया, ये भागे और इन्होंने पुलिस पर फायर किया गया और पुलिस के द्वारा आत्मरक्षात अपने इन पर फायर किया गया। ये घटना गई है और इसमें ये दोनों जो अपराधी हैं हमारे, एक अपराधी पर 25,000 का इनाम है, एक अपराधी पर 15,000 का इनाम, विभिन्न हिसाब पर 25,000 का इनाम है। ये जेल भी जा चुके हैं और उन पर चेन स्नैचिंग की बहुत सारी घटनाएँ हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि ऐसा महिला संबंधी कोई अपराध हो या जो सामाजिक जिसके दृष्टिकोण से, उस पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई इसमें करती जाती है और अग्रिम सुरक्षात्मक कार्रवाई जरूर करनी चाहिए।